पर हम बात करने जा रहे हैं। तो आज वो हमारे यहाँ आने का जो मकसद था, हम लोग कुछ बातें हैं जो आपस में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कुछ हमें जो है अम्मी के चैनल के चैनल पे भी जो है बैड कमेंट्स आए थे, और इनके चैनल पे भी जो है कमेंट्स जो है बैड बहुत ज़्यादा, इनको तो इतने ज़्यादा बैड कमेंट्स किए गए हैं। तो ये आपको आज बताएंगे, आप शेयर करेंगे आपसे कि क्या क्या लोगों ने इनको बोला है। तो चले हम इनकी तरफ चलते हैं और फिर इनसे बात करते हैं कि इनके जो है इनको लोगों ने क्या कमेंट्स करके बोला है हम जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम विवास, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब। तो चले विवास, अभी हम शुरू कर देते हैं आज की जो वीडियो है। तो चले शुरू करते हैं, चले अभी हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो व्लॉग है वो उसकी तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं अपनी बातचीत, और मेहमान जो आए हुए हैं उनसे भी मिल लेते हैं। तो जी, जैसा कि आप लोगों की वीडियो हमने जो बनाई थी जब आप लोग आए थे फर्स्ट दिन चैनल जब आपका प्रमोट किया था, तो आपने जो हकीकत थी गोपाल और सोनिया की वही बताई ना अपनी तरफ से, तो आपने कुछ भी नहीं बताया। तो और आपके सामने ये पता नहीं दो दिन की बात है, मैविश सलमान ने भी वीडियो डाली है, तो उन्होंने अपनी वीडियो में मेरा जिक्र किया है। पर उन्होंने जब जिक्र किया है मेरा, मुझे अफसोस इस चीज़ का हुआ है कि अगर उसी टाइम करते तो कुछ उस मसले का हल निकलता, अब करने का कोई फायदा नहीं है। जैसे उन्होंने कर भी दी बात तो अब कोई फायदा नहीं, अब तो अपनी उनकी क्या मतलब लड़ाई है क्या लड़ाई नहीं है उनकी, अब ये तो हमें नहीं पता ना। अब तो ये वो बताएंगे तो हमें पता चलेगा ना कि इनकी लड़ाई क्या है। अब मैं अच्छी हूँ, आंटी ने जो वीडियो बनाई वो आंटी ने इनके बारे में वो अच्छी है, जाहिर है मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ। मैं अच्छा बनने के लिए थोड़ी वो वीडियो बना रही हूँ, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ लोगों से। जो वो लोग कहते हैं कि भाई गोपाल बहुत अच्छा है, गोपाल पैसे नहीं लेता है, गोपाल मतलब वैसे भी प्रमोशन करता है, मैं तो उस टॉपिक पे बात उसमें से अपने ख्याल से कुछ भी नहीं बनाते बोला। उनके साथ जो हुआ इन्होंने वो बताया, लेकिन लोगों ने हमें इतने बुरे बुरे कमेंट्स किए, इतने बुरे कमेंट्स करे, और उन्होंने वीडियो बनाई हमारे पूरे, जैसे हमने वीडियो अपलोड कराए उसका एक घंटा भी नहीं हुआ, उन्होंने वीडियो बना के डाली और कसम खाई बीच में अपने जिनको मानते हैं वो, हाँ जो भी है उनको उनकी कसम खाई उन्होंने कि आइंदा के बाद हम चैनल प्रमोट नहीं करेंगे, हमसे जो भी कामयाब होके जाता है आगे जाके हमारे लिए बुरा करता है वो, ठीक है। तो जब आपने कसम खा ली, लेकिन आप अभी भी आज भी जाके उनके चैनल पे देखें वो हर दूसरे तीसरे दिन चैनल प्रमोट कर रहे होते हैं, तो कसम क्यों खाई? और वो भी मेरे ख्याल से उनको जो है गिफ्ट्स मिल रहे हैं, शायद इस वजह से मिल रहे हैं, वो खुद देने जा रहे हैं, शायद पैसे मिल रहे हैं गिफ्ट्स मिल रहे हैं, वो उनका मसला है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप चैनल प्रमोट ना करो, पैसे मत लो, लेकिन जो तुम हकीकत है सामने वो मानो ना, तुम अच्छे बनने की कोशिश क्यों करते हो फिर? बाद में तुम ये बोलते हो कि हम कुछ भी नहीं लेते, हम कुछ भी नहीं लेते, जब तुम ले रहे हो तो मुँह के सामने बोलो, सामने तुम सामने बोलो भाई मैं पेट पर नहीं करता हूं, इसको नहीं करता हूं। एक गलत बात इसने ये भी बोली है कि मैं मेरे पास कोई वैसे भी आ जाए तो मैं प्रमोट करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती। मुझे इसने जब 12,000 बोला ना, तो मैंने कहा मेरे पास इतने नहीं है, मैंने अपनी मजबूरी भी बताई कि मेरे पास किराए के पैसे हैं तो मेरे पास मतलब ये मसला है। तो इसने बोला अब ज़्यादा नहीं तो 5,000 में 6,000 दे, ऐसे तो आप कैसे कह सकते हो कि आप लोगों की ऐसे मदद कर सकते हो, नहीं हो सकता ना। अच्छा आप शुरू से कहानी बताएं कि आपसे सबसे पहले कितने पैसे मांगे? हम जब गए हैं ना वहाँ बैठे हैं, तो इन्होंने सबसे पहले मैंने बोला गोपाल बेटा मुझे ना प्रमोशन करवानी है, तो ये सोफे के ऊपर बैठा हुआ था, तो ऐसे अलग से इसके एटीट्यूड नहीं होते जैसे इंसान के एटीट्यूड, वो दिखा रहा है। मैं इसके मुंह की तरफ देख रही हूँ, मैं इसके मुंह की तरफ देख रही हूँ कि मतलब ये क्यों इतने एटीट्यूड दिखा रहा है। तो वो कह रहा है नहीं मैं लेता हूँ 10 से 12,000 रुपया। अब मेरे पास 10 से 12,000 तो था नहीं जो मैं इसको दे देती, मैं चुप। मैंने कहा बेटा मेरे पास इतने तो नहीं है, मेरी कहता आंटी सॉरी नहीं तो 5-6,000 दे दी। मैंने कहा चलो ठीक है, इतने भी मैंने 4,000 से दिया, ठीक है। मैंने जब इसको 4,000 दिया तो ये उस टाइम किचन में खड़ा हुआ था, ये उसी अल्लाह को जिसको इसने जीसस को सीने चाहिएंगे इसने ये अल्फाज बोले हैं। देखो
जो बात है। और अब कोई जीसस की आप कसम खाते वो बताएं कि आपने मुझसे 10 या 12 हजार बोला था या नहीं बोला था। मैं मानूंगी कि मैं झूठी हूँ। प्रमोशन करना कोई बुरी बात नहीं है, झूठ बोलना, झूठ ना बोले आपको मैंने पैसे दिए हैं तो मैं घर से निकल गई हूँ ना, तो बाद में इस बंदे के पास क्या थे मेरे बारे में। इसने बोला मेरे घर पे कोई आ जाता है तो हम उनको मना नहीं कर सकते। अब हमने सच्चे मुँह झूठे झूठे मुझे इतनी तकलीफ हुई ना भाई, आप यकीन करो मुझे इतनी तकलीफ हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। सही बात। क्यों तकलीफ मुझे इस चीज की हुई कि एक मैं मतलब उनके मजहब की और एक मैंने अपनी सारी मजबूरी बताई उनको, फिर भी उन्होंने मतलब इतना का कोऑपरेट नहीं किया मेरे साथ। अब खाने का भी कह रहे हैं कि उसकी बीवी हर वीडियो में कि हमने आंटी को खाना खिलाया, खाना खिलाया, हमने ये किया। तो बेटा आपने खाना मुझे अपने पैसों से नहीं खिलाया, जो पैसे मैंने आपके हस्बैंड को दिए, आपका हस्बैंड और मैं भी इसका शौहर, ये दोनों गए बैग पे और हंसते हंसते इतनी बिरयानी लेके आए हैं, इतनी बिरयानी, और हमसे ज्यादा तो सोनिया ने खाई थी। मैंने तो इतने से प्लेट में डाले थे और वो भी मेरे से नहीं खाए गए थे क्योंकि मेरी जेब में से पैसे गए थे, और वो पैसे किस काम के थे मेरे वो आप लोग नहीं जानते। तो लोग झूठा बोल रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसे हमसे ज्यादा हम तो समझो गए हमें जो पता था इनके जरिए पता चला, इन्होंने आगे बताया, हमने इनके अपने चैनल पे इनकी वीडियो चलाई, इनको दिखाया, लोगों ने बोला कि आप ऐसा ना करें, आप अपने चैनल पे किसी को भी अपनी वीडियो अपनी नहीं चलाने दें। तो देखें जो सच है वो तो चलेगा, वो तो झूठ नहीं सकता, वो आज नहीं कल तो ये सच्चाई पता चलेगी। मतलब हम किसी को बुरा नहीं बोल रहे, हम ये नहीं बोले आप पैसे ना लो, आप गिफ्ट ना लो, लेकिन लो, लेकिन सच बोल के लो, बोलो कि हम लेते हैं, जिसने करवाना होगा वो करवाएगा अपने चैनल पर, जिसने नहीं करवाना होगा वो नहीं करवाएगा, लेकिन झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। और रह गई बात, हमें तो झूठा बना दिया, अभी जो मेविश और सलमान की जो बात हो रही है वो तो सबने देखी होगी, वो कैसे इनको फिर बोल रहे हैं कि ये गिफ्ट लेते हैं, ये पैसे लेते हैं, वो किस तरह से वो तो खुद भी बोल रहे हैं कि हमसे भी पैसे लिए हैं, बल्कि वो तो ये बोल रहे हैं हमसे भी गिफ्ट लिए हैं, हमसे भी पैसे लिए हैं। ये सुन के तो मुझे समझो तो हालांकि हमने कोई जबरदस्ती इनसे नहीं मंगवाया, हमने बोला कि ये खर्चा आप क्यों कर रहे हैं, आपको तो पता भी नहीं था, हम तो आपको यही बोल रहे हैं, ये तो अपनी खुशी में इन्होंने बोला था, शायद बोला है आप लोगों ने, एक सेलिब्रिटी को तो पता भी नहीं था कि हम उनके लिए गिफ्ट लेकर आएंगे, जो हो सकेगा हम लेके आएंगे अपनी मोहब्बत में लेके आए, तो उनके बारे में आपका क्या, मेरे सम्मान के बारे में क्या ख्याल, अब ये तो कोई बात बोलेंगे तो व्यूअर्स को पता चलेगा कि इनकी आपस में क्या बात हो सकती है। अब देखें हम बोले कुछ और निकले अंधेरे में नहीं चला सकते, लेकिन उन्होंने ऐसा किया सही किया या गलत किया उनके साथ गलत, जो भी अगर बुरे कमेंट्स करेगा तो व्यूअर्स यही हम कहना चाहते थे कि आगे देखते हैं अभी उनकी हकीकत क्या है क्या नहीं, हमें कुछ भी नहीं पता, सामने आपको ये सामने आती है या नहीं आती है, बोलो क्या बोलते हैं, ये सच है या झूठ है ये तो आपको पता चल जाएगा, ड्रामा है क्या है, ड्रामा है ये तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन जो भी है जैसा भी है अगर ये सच है, तो मैं उनकी तारीफ करना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, किसी की बहुत हिम्मत की बात होती है किसी की सच्चाई अपने चैनल पे चलाना किसी की बात, तो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनकी तारीफ ही करना चाहूँगी, मैं झूठ भी बोलूँगी अगर सच बात है और उनके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो जो भी बोला उन्होंने बहुत हिम्मत की
हिम्मत का काम किया कि उन्होंने वीडियो बनाई और उनको सच्चाई भी बतानी चाहिए और सच्चाई भी लाजमी बतानी चाहिए। अभी मैं एक बात बताता हूँ, सबसे बड़ा हिम्मत का काम क्रेडिट इनको जाता है क्योंकि इन्होंने हिम्मत से आवाज उठाई अपनी, आई समझ में। अब मैं भी सलमान ने भी उठाई है और हमारे चैनल की बदौलत ये आवाज उठ रही है और ये आवाज बुलंद रहे। अब देखो अगला चैनल कौन सा ये आवाज उठाता है, हम उसको भी अप्रिशिएट करेंगे, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं और उनको भी हकीकत लाजमी बतानी चाहिए। मैं भी सलमान को लाजमी हकीकत बतानी चाहिए कि उनके साथ क्या हुआ। लोग जो यूथ जो है वो इस बात के इंतजार में है कि वो हकीकत बताएं कि आखिर उनमें क्या मसला हुआ है। उन्होंने बोला नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, हमें भी इंतजार है, हमने भी देखी थी वीडियो और फिर देखते हैं जो हकीकत होगी वो सामने आएगी। और बाकी जो हमने जो बोला था वो तो आपके सामने आ गया है, वो तो हकीकत और ये हकीकत के सामने। मैं भी सलमान लाना, मैं भी सलमान स्पेशल में आपके लिए बात कर रहा हूँ। जो आंटी के साथ हुआ उस वक्त आप चश्मदीद गवाह हैं, जो सच हुआ वो बयान करके दिखाएं आप पूरा का पूरा, और डर के बात नहीं करें, खड़क के बात करें, आपके साथ पूरी कौम है। सही बात है, तो भी बस अब आपका ज्यादा टाइम नहीं है तो इंशाल्लाह फिर ऐसे ही मिलजुल के। अच्छा, इनके चैनल का नाम, आपके चैनल का नाम? लैविस समीना। लैविस समीना के नाम से चैनल है, आई बटन के अंदर आपको इनके चैनल का लिंक मिलेगा, उसी लिंक के अंदर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन मिलेगी आपको, तो आई बटन में लाजमी जाके। अच्छा, मेरी पूरी डर डर के और हंस हंस के बातें कर रही है, लोगों ने बोले कि ये ड्रामा कर रही है, हंस रही है, चले ये ड्रामा भी कर रही है। तो आगे मेविश की बात कर रहे हैं, मेविश और सलमान की, तो क्या मैं पूछ लूं कि आपको कैसा, मतलब इन्होंने अच्छा किया वीडियो बना के, ये देखें उनके साथ क्या हुआ है क्या नहीं। अभी ये तो मेविश कह रही थी आज की वीडियो में वो बताएंगी, अब वो कुछ बताएंगे तो पता चलेगा, लेकिन उनको बताना चाहिए, नहीं तो इनको बताना चाहिए क्योंकि बस हमारे पागल नहीं है जिनको आप लोग पागल बना रहे हो। जो बात है आप उनसे ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, क्या पता दोनों मिलके ड्रामा कर रहे हो। अगर ड्रामा भी कर रहे हैं तो फिर मैं तो कह रही हूँ ये दूसरों को पागल बना रहे हैं, या तो हो सकता है कि अंदर से दोनों मिले हुए हो, तो पता चलेगा बाद में देखते हैं। कल कल करके कह रहे हैं कि हम कल बताएंगे, कल बताएंगे, अभी तक कुछ बता नहीं रहे, कुछ बताया नहीं है, अब बताएंगे क्योंकि जो व्यूवर्स देखने वाले हैं वो मतलब कह रहे हैं कि ड्रामा कर रही है, ये कर रही है। आप ही जो है ना बताएं कि हम लोग झूठे थे या सच्चे, हम लोग इतना तो आप लोगों को पता चल गया, जो उनके इतने करीब उनके अपने रिश्तेदार होंगे उन्होंने ये बात बोली है वीडियो के थ्रू बोली है कि भाई वो तो गिफ्ट और पैसों के बगैर किसी के भी चैनल प्रमोट नहीं करते। तो अभी बस हम ये नहीं बोल रहे कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, करे ले पैसे भी ले, जो दिल करता है वो ले, लेकिन बाद में मुकरे ना और कसमें ना खाए, जो सच है सच बोल के करे। जो भी लेना है, जिसको भी अपना चैनल अगर प्रमोट करवाना होगा वो 10,000 भी आप मांगे तो 10,000 देगा, लेकिन सुबह आप बोले कि हाँ भाई मैं पैसे लेता हूँ, पेड प्रमोशन करता हूँ, ये सब कर रहे हैं आजकल। तो भाई बड़े इसमें डरने की क्या बात है, बड़े यूट्यूबर जो है वो लेते हैं तो हम अपनी खुशी से लेते हैं, हम अपनी मर्जी से लेते हैं। हाँ तो ले ना, आप लेते हैं, मुंह पर आके बोले ना। हाँ ले, मुंह क्या। मैं भी सलमान के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं भी सलमान के बारे में तो ये कहना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, सच्चाई बोल कर, और हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। तो आगे वो हकीकत भी बताएं क्या वजह है, ताकि हम लोग भी जो है मतलब झूठे ना बने, क्योंकि दुनिया में हमें झूठे को भी बोलेगा नहीं, हमें तो कोई झूठा साबित कर ही नहीं सकता ना। वो अब जो झूठ बोलेगा वो समझ लो कि अपने लिए कब्र खोदेगा। हाँ जी बिल्कुल, और जो बुरे कमेंट्स करते हैं तो वो जाए और उनके उनके चैनल पे भी वीडियो देखने जाके, वो तो काफी अच्छे क्लोज थे। हमें झूठा बोलने से पहले, हमें झूठा बोलने से पहले और हमें नालत देने से पहले जाके वहाँ देख ले, पहले उनको झूठा बोलते हैं टॉपिक पे, फिर बाद में बात होगी। जब तक उनकी हकीकत सामने नहीं आ जाती वो बता नहीं देते कि आखिर क्या मसला है, फिर उसके बाद हम और जी इनका मैसेज भी पिन हुआ होगा लाजमी आप इनके, जो वैसे तो माशाल्लाह से हमने जिनको बोला वो गए, और जो नहीं गए इनके चैनल पर तो लाजमी आप लोग इनके चैनल पर जाएँ और इन्हें सपोर्ट करें, इन्हें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। माशाल्लाह से इनके मन के पूरे हो गए, लेकिन इनका वॉच टाइम अभी कम है, काफ़ी कम है, तो इनका वॉच टाइम हमने पूरा करवाना है जल्द से जल्द, ताकि इनका चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो अभी बस इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।